सविता, आप लोगों को इंडियन ब्लॉगर सविता चैनल में स्वागत है। आज मैं पंजाब का फेमस सरसों का साग बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में। जो पंजाब के साग को मिस करता है वो इस तरीके से बना करके खाएगा तो सेम स्वाद आएगा, बिल्कुल वही टेस्ट रहेगा। मैं इसे गैस पे बनाऊंगी और कुकर में, तो चलते हैं, मैं दिखा रही हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। अब पंजाब के चूल्हे वाली साग को मिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलते हैं इसे बनाते हैं। सरसों का साग है, सरसों का साग, पालक और एक मुट्ठी मेथी, एक एक गट्टी दोनों है सरसों और पालक। इसको अच्छे साफ़ करके मैं धो ली हूँ। अब इसे रफली काट लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ले लेंगे और बीच से ऐसे काट देंगे। फिर दोनों को ऐसे अच्छे से मोड़ लेंगे। इससे क्या होता है, अच्छे से कट जाता है, इसे महीन काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे रफली ही काटेंगे। फटाफट से ये कट भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है काटने में। देखिए कट गए, ऐसे ही सारा साग काटेंगे। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें साग को काटते जाएंगे और डालते जाएंगे। लास्ट में मैं इसमें एक मुट्ठी धनिया भी काटूंगी, धनिया पत्ती। बाकी का सब ऐसे ही काट कर कुकर के अंदर डाल दे रही हूँ। पूरा साग प्रेशर कुकर में डाल दी हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक चाहे तो अगर कम होगा तो बाद में भी डालें देंगे, लेकिन पहले डालने से क्या होता है कि साग गलता है, इसलिए पहले ही नमक डालेंगे। और एक गिलास पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, साग पानी छोड़ेगा तो इसलिए एक ही गिलास डालूंगी। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे, प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा करके बंद कर दे रही हूँ। गैस ऑन करके प्रेशर कुकर को रख देंगे। 20 से 25 सीटी आने तक साग को पकाएंगे। 20 से 25 सीटी आ गई है, अब कुकर का ढक्कन खोल करके देख लेते हैं साग को, उस चला करके देखेंगे। देखिए कितना ये पानी छोड़ा है और आधा तो पक गया है। सरसों का साग प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। अब हम लोग मिट्टी के चूल्हे पे कहाँ बना पाएंगे, इसलिए मैं गैस पे प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन बिल्कुल सेम वैसे ही बनाती हूँ जैसे पंजाबी स्टाइल में बनता है। मैं पंजाब में सीखी थी बनाना। गैस ऑन कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे जितना पकाएंगे उतना ये अच्छे से बनेगा। मिट्टी के चूल्हे पे तो 2-3 घंटे लगता है। सरसों का साग मेरे हस्बैंड और बच्चे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं पंजाब में इसे बनाना सीख गई थी। ये 3 प्याज है, इसके छिलके मैं उतार करके अच्छे से धो ली हूँ। अदरक को भी छील ली हूँ और धो ली हूँ। ये लहसुन की बहुत सारी कलियाँ है, इन सब को भी मैं छील करके धो ली हूँ। अब एक मिक्सर का जार ले लेंगे, उसमें अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि टुकड़े करने से अच्छे से ये पीस जाएगा, इसलिए मैं काट ली हूँ। अब प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। अच्छे से सारा प्याज काट ले रही हूँ छोटे छोटे टुकड़े में। प्याज कट गया, लहसुन की कलियाँ इसमें डाल देंगे। ये मिक्सी का जार पूरा भर गया है, अब बड़ा वाला मिक्सी का जार यूज करना पड़ेगा। मैं बड़ा वाला जार ले ली हूँ, इसमें सारा पलट दे रही हूँ। सब इसमें पलट दिया और ये मिर्ची है, इसको डाल देंगे। मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि ये तीखा बनता है, तभी ये टेस्टी लगता है। ढक्कन लगा करके अब इसे महीन पीस लेंगे। साग को देख लेते हैं, देखिए ये पक गया है। अब थोड़ा सा बाकी है, थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। जितना इसे चलाएंगे उतने अच्छे से ये पकेगा। पंजाब में तो लकड़ी का ये वो लोग रखती थी, एक उसी से चलाती थी, लेकिन मैं तो इसी करछी से चलाती हूँ। साग को जितना चलाएंगे उतना सॉफ्ट होगा, इसे चलाना बहुत पड़ता है। जितना पकाने में टाइम लगता है उतना चलाने में भी मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बन करके रेडी होता है। फिर इसे देख लेते हैं, देखिए अब ये हो चला है।
अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये थोड़ी देर में हो जाएगा। ये जो मैं पेस्ट बनाई थी उसे डाल देंगे, सारे पेस्ट को इसमें डाल दी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी के जार में थोड़ा पानी डाल करके डाल देंगे और इसे चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट और पकाएंगे इसे। साग को चला करके देख लेते हैं। अब ये मक्के का आटा है, मक्के के आटे को साग के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इससे साग के अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ेगी, नहीं तो इकट्ठे डालने से गुठलियाँ पड़ जाती है। जो ये प्लेट में आटा ली हूँ सारा इसमें पड़ जाएगा, मैं साग के अनुसार ही आटा ली हूँ। अगर हो सके तो कुकर को नीचे उतार करके मिला सकते हैं गैस से। साग के अंदर आटे को अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। अब कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे ताकि आटा अच्छे से पक जाए, उसमें कच्चापन ना रहे। साग रेडी हो गया है, ये अच्छे से पक गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। खाने के लिए साग रेडी हो गया है, ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी हूँ। ये सरसों का तेल है, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि तेल से बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। तेल गर्म हो गया है, एक प्याज छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, इसको डाल देंगे और डाल करके इसे चला लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का ही करेंगे। अब ये हो गया है, इसके अंदर ये 2 टमाटर काटी हूँ इसे डाल देंगे और डाल करके इसे भी मिक्स कर लेंगे। टमाटर और प्याज अच्छे से पक गया है, अब थोड़ा इसे दबा दबा करके चला लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। टमाटर अच्छे से मैश हो गया है, अब इसमें सरसों के साग को डाल देंगे। जितना खाना है वो उतना ही डालेंगे, बाकी वैसे ही किसी डब्बे में बंद करके फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख देंगे। 3 से 4 दिन तक वो ख़राब नहीं होता है, जब खाना हो तड़के लगाएंगे और खाएंगे। तो जितना खाना है उतने में ही तड़का लगाइए, बाकी वैसे ही डब्बा बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, वो कहीं ख़राब नहीं होता है 3-4 दिन। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत टेस्टी होता है। तड़के वाली सरसों का साग बन करके रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। एक प्लेट ले ली हूँ, अब इसमें साग को निकालेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये बन करके रेडी हुआ है, बिल्कुल वही स्वाद आएगा, यकीन मानिए आप लोग। बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जो पंजाब का साग खाया है वो तो पक्का खाने के बाद उसे पता चल जाएगा कि सेम टेस्ट है। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, इसे रोटी पूड़ी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करके बताइए कैसा बना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।